शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इनवीसीएन में दर्शकों का स्वागत है। मैं रत्नाकर, खास मुलाकात में आज हमारे साथ में है राम कृष्ण सर ओझा। और दूसरी बार सर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप प्रभाताई ओझा सेवा समिति संस्थान के प्रेसिडेंट है, उसके साथ ही आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हैं, और जो कोविड 19 से के लिए जो एक वॉरियर की सेना स्थापित, आप उसमें एक सेनानी की तरह भी काम कर रहे हैं। जो परिस्थितियां उस वक्त थी शुरुआती दौर पे और आज जो परिस्थितियां है, आप इसका आकलन कैसे करेंगे? पहले तो मैं नमस्कार कहूँगा आपको, धन्यवाद। शुरुआती परिस्थितियों में जो स्थिति थी, उस स्थिति से हम बहुत भयानक स्थिति में पहुँच चुके हैं जी, क्योंकि उस समय अगर सरकार ने कुछ अच्छे निर्णय लिए होते, केंद्र सरकार ने, कि जिसके अंदर में थोड़ा सा प्रोएक्टिव एक्शन पहले होता या टेस्टिंग से रिलेटेड, जैसे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि इसकी टेस्टिंग बढ़नी चाहिए या फास्ट रैपिड टेस्ट होना चाहिए, पर इस पे नहीं हुआ। चलो वो अब पुरानी बातें होगी, लेकिन आज की स्थिति हम इस देश में बहुत भयानक स्थिति पर बैठे हुए हैं। लॉकडाउन में हम 1.5 महीने के ऊपर गुजर चुके हैं जी, और जहाँ पर 2 पेशेंट थे वहाँ पे 300 हो गए, जहाँ पर डेथ कुछ भी नहीं थी वहाँ 3 डेथ हो चुकी है। नागपुर की अगर स्पेशली बात करें हम, तो परिस्थिति कोई संतोषजनक नहीं है, लेकिन फिर भी देश को लॉकडाउन खोलने से संबंधित जोन वाइज जो निर्णय लिए गए हैं उस पर अगर हम थोड़ा सा विचार करें, सरकारें विचार करें, तो लॉकडाउन पे थोड़ा रिलैक्सेशन देना ज़रूरी, क्योंकि मजदूरों की, मध्यम वर्गियों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, फाइनेंशियली हालत बहुत गंभीर है। और जो सरकार के तरफ से जो सुविधाएं और जो चीज़ें मिल रही हैं, उसका एक अलग पैरामीटर है जिसके अंतर्गत मजदूरों को या निम्न वर्गों को या आप अंडर BPL को इसका सुविधा मिलती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक दो वर्ग हैं जी जो सही में बहुत परिस्थितियाँ उनकी ख़राब है, कारण कि वो ना तो हाथ फैला सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। जो उनकी जरूरत है उसके लिए वो किसी के आगे जा नहीं सकते, और जो पैसा उन्हें मिलता था उसके खर्चे उन्हें अपने फिक्स करके रखे हुए थे, खर्चे भी सर पे बैठ रहे हैं, लेकिन इनकम पूरी तरह जीरो हो चुकी है। एक फैक्टर तो ये है जी सर। और स्वास्थ्य से संबंधित देखा जाए तो अगर लॉकडाउन करने के बाद जिन लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया था, उस क्वारंटाइन से वो लोग रिलीज हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे तबके थे जिन्होंने अपने आप को छुपा लिया या उनको पता नहीं था कि हमें ये है, तो धीरे 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 वो केसेस अब मैच्योर होकर बाहर निकलना शुरू हो गई है। ये एक भयानक स्थिति है जिसके लिए हमें सोचना बहुत जरूरी जी बराबर है कि जिन लोगों को हो सकता है कि कोरोना की से मतलब वो ग्रसित हो और उन्होंने अपने आप को डिस्क्लोज नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर रहकर वो इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। हाँ, संख्या तो बढ़ाई है उन्होंने, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये आज हम जो 300 नागपुर की अगर हम बात करें, आज हम 300 के आसपास बैठे हुए, 300 का आंकड़ा तो हो ही गया है, तो ये आंकड़ा मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का रीजन जो मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि उसी का रीजन, जहां 2 थे हम लोग, आज हम 300 पहुंचे, और जो लोग छुपे हुए लोग थे उनमें से 300 में कुछ लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को संक्रमण तो किया ही होगा, बांटा ही होगा, तो उसका ये परिणाम जो आगे आने में खराब होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये इन परिस्थितियों में जिस तरह से आप संस्था और व्यक्तिगत तौर पर भी आपने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो जरूरतमंद है लेकिन अपने आप कह नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी रोशनी डालें। मैंने अपनी बात में पहले भी कहा है कि गरीब वर्ग तो बेचारा मजबूर है, वो तो आके आपसे हाथ से राशन भी ले लेगा, खाना भी ले लेगा। कुछ ऐसे परिवार हैं जो मध्यम वर्गीय है, जिन्होंने अपने आप का वो स्वाभिमान रखा हुआ है, लेकिन मध्यम वर्गीय लोग हैं, लोअर मध्यम वर्गीय लोग हैं, ऐसे लोग हाथ फैलाने के लिए बहुत उनको बड़ी शंका होती है, संकोच होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कल ही आपने अगर सबने आपने पढ़ा होगा कि सकाळ में एक न्यूज़ थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स खेलने वाली एक बच्ची है जिसका नाम ज्योति चौहान है जी, उनका काफ़ी बड़ा लेख आया है सकाळ में कि 2-2 बार अवार्ड जीतने वाली, अभी 19 में उसने अवार्ड जीता, 25 साल की उम्र है, नौकरी मिली नहीं है, पुलिस में प्रयास किया, रेलवे में प्रयास किया, एक्साइज डिपार्टमेंट में प्रयास किया, इनकम टैक्स में प्रयास किया, उसको नौकरी नहीं मिली। उसके पिताजी, उस बच्ची के पिताजी जो है वो मिशन है, मतलब वो
ईंटों की जुड़ाई काम करते जी, और बड़ी गंभीर परिस्थिति में वो बच्ची रह रही थी। और मैंने सुबह जैसे पढ़ा और वैसे ही मुझे हमारे आदरणीय अध्यक्ष बाड़ा साहब थोरात का मुझे सुबह ही 7 बजे उनका फ़ोन आया थोरात जी का। उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये मैंने पेपर में पढ़ा, ये बच्ची बड़ी तकलीफ में, आप देखो क्या बात है। मैं त्वरित उस बच्ची के घर गया, उनकी परिस्थिति देखी। वो 3 बहनें हैं, माँ बाप हैं, पिताजी एक कमाने वाले हैं, इस बच्ची को कोई जॉब नहीं मिला और पूरा घर ट्रॉफियों से भरा हुआ है। छोटा सा मकान है एक रूम का, उसमें पूरे घर में ट्रॉफियाँ रखी हुई है। वो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। और मैंने उससे बात किया बच्ची से, तो बच्ची बोले सर मुझे ना कोई जॉब मिल रहा है, ना कुछ, मैं काम कर रहा हूँ, रोड पे खाना बांटने वाले लोग आते हैं, मैं जा नहीं सकती मैं खाना मांगने के। ये बहुत ही एक दुखद बड़ी, अब 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं मेरी छोटी बहन को भेजती हूँ ले आ, और बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है सर, ये तो पता नहीं किसी हमारे मित्र ने छाप दिया है। तो मैंने उनकी थोड़ा साहब से बात भी कराई और उस बच्ची को हमने 1 महीने भर का राशन, 5,000 रुपये साहब ने बोला था हमने उनको दिए। तो पैसा और राशन वो बात नहीं, बात ऐसी कि उस बच्ची के चेहरे पे जो एक सम्मान था, आत्मसम्मान की जो बात कर रही थी, ये मैंने मेरे बुद्धों में भी आपसे बात कही है कि इन लोगों के बारे में सोचना जरूरी है जी। जब लॉकडाउन के खत्म करने की बात हम करते हैं, लॉकडाउन करने की बात करते हैं, चेहरे सब ध्यान आते हैं कि उनका क्या होगा, जिन्होंने समझो किसी की 15,000 या 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह वाले लोग क्या कर रहे होंगे, 9,000-10,000 महीने की तनख्वाह वाले लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे घर चल रहा होगा। ये सरकारों को सोचना पड़ेगा, या तो उनके घर पहुंचाए, या तो ऐसे लोगों को सरकारों ने, मैंने पहले भी कहा है कि सोनिया गांधी जी ने हाउस के अंदर में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल कानून पास किया था, प्रावधान किया था उसके लिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके घर पर उनको भी राशन में इन्वॉल्व किया जाए, जो BPL को हम देते हैं। लेकिन उसके बाद याद होगा उस सेशन आपको कि सोनिया जी बीमार थी और रात को 8 बजे तक से वहाँ बैठी थी, 10 बजे तक बैठी रही, उसके बाद जाके गंगाराम में हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वो चीज़ हमने राजस्थान में उठाई, राजस्थान में शुरू किया, ये चीज़ मैंने महाराष्ट्र में भी उठाई थी। उन लोगों के बारे में सोचने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं आप समय की तकाजा है मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीने वाला आदमी क्या करेगा, क्या करेगा, क्या 50 रुपये किलो आलू लेगा, और उसके घर में भी खाने वालों की संख्या भी निर्भर करता है, और उसको पगार नहीं मिल रही ऊपर से, अगर साल दो साल भर से 5 साल से कहीं काम कर रहा है, 9,000 तो उसके वैसे ही चले जा रहे हैं, कोई सेविंग नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, घर में जेवर नहीं है, घर में कपड़े नहीं है, मकान खुद का नहीं है, किराएदार तंग कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों के बारे में सरकार ने अत्यंत आवश्यकता के साथ सोचना चाहिए और सरकारों ने संवेदनशील होना चाहिए कि सिर्फ हम एक ही तरफ ध्यान दें, दूसरे की, ये भी देश की जनता है, ये भी हमारे नागरिक है, और हमारी जवाबदारी और सरकार की जवाबदेही है कि इस वीकर सेक्शन की तरफ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की तरफ जरूर ध्यान दें। बिल्कुल सही कहा आपने, और हो सकता है आने वाले समय में इस पर विचार भी होगा और एक अच्छी पॉजिटिव सेंस के साथ में हम इसको आगे बढ़ेंगे। ये इन सारी स्थितियों की के बीच में जो हम देख रहे, एक बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा ये भी है कि स्थानांतरण, जो लेबर क्लास है या स्टूडेंट्स है, इनके स्थानांतरण को लेकर भी बहुत सारी अटकलें चली। महाराष्ट्र की बात करें या हम किसी और प्रदेश की भी बात करें, तो वहाँ पर स्थानांतरण को लेकर बहुत सारी बातें चली, फिर स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने श्रमिक ट्रेनें इस देश में शुरू की, हालांकि काफ़ी लेट शुरू की उन्होंने, अगर लॉकडाउन पहले शुरुआत में करते तो शायद हम संक्रमित लोगों को उनके प्रदेशों में नहीं भेजते। ये बात तो सच्चाई है कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का हम जरूर उनके निर्णय का निषेध करते हैं कि उन्होंने श्रमिक ट्रेनों के अंदर में जाने वाले श्रमिकों को टिकट देने के लिए मांग की, ये एकदम सरासर गलत है। आप अगर आप समझते हैं भाई साहब, आप भी आज नागपुर शहर में रहते हैं, लोगों की हालत बहुत गंभीर है जी। श्रमिक जो मजदूर वर्ग हैं, जिनको जिनके लिए ट्रेन शुरू किए, जो परप्रांतीय लोग हैं, उनकी हालत सही में ख़राब है। अब खराब हालत में किसी तरह उन्होंने 1 से 1.5 महीना निकाला, भोजन की व्यवस्था की, बच्चों के दूध की व्यवस्था की, खान पान की व्यवस्था की, अब ये 700, 1500, 2000 रुपये का भाड़ा वो कहाँ से लाएंगे जाने के लिए। हमने निवेदन भी किया था और माननीय सोनिया जी ने लिखित रूप से ये निवेदन किया था कि भाई आप ये कम से कम श्रमिकों से पैसे ना लें, इन्हें फ्री में भेजें। हमारे हमने अपील भी की, सोनिया जी ने भी लिखा, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके कारण सोनिया जी को अपने इकाइयों को, अपने प्रदेश के इकाइयों को, प्रदेशाध्यक्षों को बोलना पड़ा कि आप खुद अपने संस्था से, अपने इकाइयों से पैसे दें, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पैसे दें और श्रमिकों को छूट दे किराए में, उनके टिकट खुद निकाल कर वो उसके लिए भेजें।
तो इस बारे में कांग्रेस ने इनिशिएटिव लेकर कुछ कार्य भी किया है? कुछ नहीं, बहुत बड़ा कार्य किया है। अभी तक हमने करीबन 75,000 लोगों को महाराष्ट्र भर में, जिनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने भरी है। मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। इसमें भी राजनीति की गई है, क्योंकि सरासर हम देख रहे हैं, आधे लोग वहाँ देख रहे हैं कि टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, हमारे लोग जाकर टिकट खरीद रहे हैं, उनके हाथों में दे रहे हैं, फिर भी गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। पता नहीं ये इस समय ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने करीबन आज तक एक हफ्ते भर के अंदर 75,000 लोगों को टिकट लेकर, बाड़ा साहब सोराथ के नेतृत्व में, नागपुर में श्रीमान नितिन जी राउत है, वर्धा में सुनील केदार जी हैं, यशोमती ठाकुर अमरावती में है, जहाँ जहाँ से ट्रेनें गई वहाँ के पालक मंत्रियों ने, मंत्रियों ने, आमदारों ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करके पूरे ताकत के साथ टिकट खरीद कर उनको फ्री में घर भेजा। अब ये 75,000 लोगों की जो बात करें, आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये तो पूरे देश भर में ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन हुई है? नहीं, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के हमारी इकाइयाँ हैं वहाँ पर उन लोगों ने मदद की है, 100% मदद की। हमने हमारे महाराष्ट्र के फिगर बताए, बट पूरे देश भर में ही किया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने निर्णय लिया है कि भी इस पे हम लोग महाराष्ट्र विकास महाविकास आघाड़ी इसका एक करेगी। सर, ये तो हो गई आज की परिस्थिति जिसके ऊपर में हम बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाली परिस्थिति जो होगी सभी प्रदेश के लिए, हम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, हम नागपुर की बात करें, तो अब ये जो सारा वर्क जो है, लेबर वर्क जो है, वो अपने अपने गांव चला गया है, कुछ दिनों के बाद तो ये लॉकडाउन खुलेगा। आज भी आर्थिक परिस्थितियाँ जो है वो सही तरीके से नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ में सामने है, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय को चालना देनी पड़ेगी, शुरू करना पड़ेगा। उस वक्त ये समस्या आएगी कि हमें लेबर नहीं मिलेगी, उसके ऊपर में क्या उपाय योजना हो सकती है? देखिए, बहुत अहम मुद्दा किसी भी देश के लिए है कि ऐसी परिस्थिति में देश को चलाना, देश के लोगों को रोजगार देना, देश के लोगों का पेट भरना, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जिसमें सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर हम ये डेढ़ से दो महीने के बीच में लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, निकलने के बाद हमें सबसे पहले तो डिमांड और सप्लाई देखना पड़ेगा जी, कि आज हमारे घर में जो लोग हैं, जो लॉकडाउन है, उनकी डिमांड क्या होने वाली है। मेरा जो मानना है, विशेषज्ञों का मैंने काफ़ी एक दो जगह पढ़ा है, सुना है, कि उनका ऐसा कहना है कि अगर हम आज 100 रुपये खर्चा कर रहे थे लॉकडाउन के पहले, तो हम 60% पैसा कम खर्चा करेंगे। 60% अगर पैसा हम खर्चा करते हैं तो कम करते हैं तो 40 रुपये हम इस खर्चा करेंगे, और 40 रुपये किस चीज़ में खर्चा करेंगे ये हमें रिसर्च करना पड़ेगा। इस एनालिसिस जो निकला है उसमें खान पान की वस्तुएं, घर उपयोगी वस्तुएं, जीवन आवश्यक वस्तुओं को ही, मेडिकल एड्स वगैरह, जो मेडिकल एड्स हैं, भोजन के लिए है, राशन है, जो चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री है, तो इसके ऊपर अगर ये उद्योग बड़ी संख्या में चल सकते हैं। और हमारे महाराष्ट्र के जो परप्रांतीय लोग जो गए हैं, जिनको तकलीफें हुई है, श्रमिक आज इस महाराष्ट्र में कम हो गया है, मुंबई में भी ढेर सारा श्रमिक चला गया है, तो फिर से इस इंडस्ट्री को उपयोग कर अगर शुरू करना है, तो आने वाले जो बच्चे हमारे हैं, जो नए युवा पीढ़ी जो आज अपने अपने कामों के लिए पदार्पण करने वाली है, उनके लिए बहुत अच्छी एक ये उपलब्धि है कि इस ओर, और उद्यमी लोग हैं, उन लोगों ने इस ओर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, जो भी टैलेंट उनके अंदर है, जो उनकी विशेषताएँ हैं, उनको साथ में लेकर अगर इस जगत में आते हैं तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये स्थानीय युवाओं के लिए एक आने वाले समय में एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है। और दूसरा, कृषि क्षेत्र भी काफी आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आज जो है कृषि क्षेत्र, बहुत अच्छा मुद्दा सर आपने उठाया, कृषि क्षेत्र के तरफ जो है युवाओं का ध्यान नहीं जाता, या जितने भी एग्जिस्टिंग कृषि वर्ग में काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं गाँव को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे जीवन आवश्यक वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि खान पान की सुविधा हमारे लिए, मतलब खेती की तरह अगर हम ज़्यादा ध्यान दें, उसमें आधुनिकता लाए, उसमें मॉडर्नाइजेशन करें, और हमारा यूथ अगर वहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करे, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति आने वाले समय में, हम कोरोना से तो जूझ लेंगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति में परिवर्तन, पॉजिटिवनेस जरूर आ सकता है। बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद, क्योंकि देखिए ऐसा बीमारी तो खत्म होनी नहीं है जी, बीमारी जब तक वैक्सीन आती नहीं है या उस पर टेस्ट नहीं होता, या उसको आने के बाद भी लोगों को लगाने के लिए समय लगेगा, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये रहने का तरीका हमें अपने जीवन में लाना होगा, चाहे लॉकडाउन बंद है, चाहे लॉकडाउन खुलने के बाद। एक स्वयं
को एक अनुशासित और स्वयं को एक बाकी लोगों से अलग रखने के लिए खुद को एक लॉकडाउन स्थिति में हमेशा रखना अनिवार्य, कारगर बनाना पड़ेगा उसमें अपने को। तो उसमें अगर देखें आप, अगर आप भी समझे इस बात को कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करके काम करना है तो शहरों में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला काम होगा। अगर हमारे युवा और हमारे जो साथी हैं जो शहरों में आए हुए हैं ग्रामीण से, जिनके अभिन्न खेतों से जुड़ाव है, गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये विचार करेंगे और गाँव की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ का जीवन आज भी खुली हवा है, करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन हमें फ्री मिलती है। हाँ, तो अभी मेरे को ऐसा लगता है ये स्थिति आ जाएगी तो शायद ऑक्सीजन भी हमें खरीद के लेनी पड़ेगी। तो ये सारी स्थिति में ऐसा लगता है कि किसानी का काम, कृषि काम में बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा, और जो लोग भी यहाँ आए हैं उनका पैरेलल अटैचमेंट उधर है तो ज़रूर वहाँ जाएंगे, और ये समय रहेगा। और कृषि क्षेत्र इस देश का, मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, एशिया के लेवल पर ये कृषि राज्य अपना देश प्रगतिशील होगा, और यहाँ का बहुत सारा अनाज और बहुत सारी चीज़ें ये विदेशों में जाएगी, क्योंकि ये दिख रहा है सामने जी कि हमारे पास 70% के आसपास कृषि उपयोगी ज़मीनें हैं, 70% के ऊपर पॉपुलेशन हमारी ग्रामीण में है। तो ये लोग अगर सही ढंग से इस चीज़ का उपयोग करेंगे, अगर सरकार अगर इन्हें सही ढंग से साधन उपलब्ध करा के देगी, और कोई भी राजनीति राज्य और केंद्र में नहीं होगी, किसी पार्टी में नहीं होगी, तो ज़रूर किसान का कृषि क्षेत्र चमकेगा, क्योंकि ये स्थिति राजनीति करने की नहीं है जी। चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार के सत्तासीन लोग हो, चाहे सत्ता से बाहर होने वाली पार्टियां हो, इन सब की आज इस देश को ज़रूरत है। अगर ये सब मिलके एकजुट होकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छा भविष्य जो है भारत देश का हो सकता है, भले आज स्थिति विपरीत हो लेकिन इस स्थिति से हम लोग एक एज अ टीम हम काम करें। देखिए कटाक्ष कहिए या एक आधिकारिक तौर पर आप समीक्षा जरूर कर सकते हो, आपका अधिकार है, और समीक्षा को भी पॉजिटिवली लेकर एक पॉजिटिव वे से अगर पूरा देश आगे बढ़ता, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, तो इस स्थिति से भी हम जरूर निपट लेंगे। लॉकडाउन की स्थिति जो है आज की, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, क्या संभावनाएं बनती हैं आपके नज़र से? देखिए लॉकडाउन तो अगर देखा जाए पुराना जो जिस वे से जिस बातों के लिए हमने लॉकडाउन लगाया है वो परिस्थितियां ख़त्म नहीं हुई हैं। हम लोग अपर ट्रेंड में अब चल रहे हैं, लोअर ट्रेंड में अगर होते हैं तो लॉकडाउन खोलने की बातों को तकनीकी तौर से हम सोच सकते थे, लेकिन सरकार इस बारे पर विचार भी कर रही कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ने कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि लॉकडाउन हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बड़ी स्थिति गंभीर है, लेकिन अगर लोग अनुशासित रहेंगे, अगर लॉकडाउन खोलती है सरकारें तो अनुशासन के रहकर अगर काम करेंगे तो हम दूसरों को भी बचा पाएंगे और खुद को सेफ रह पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन खोलने की स्थिति तो महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन इस पर विचार करना चाहिए, और जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है जहाँ जहाँ काम करने की आवश्यकता है और लोग खोल देना चाहिए, और जहाँ जहाँ हमारे पेशेंट मिल रहे हैं उस एरिया को सख्ती के साथ, पूरी ताकत के साथ, सत्ता की, उस एरिया को लॉक करना चाहिए, सील करना चाहिए, बाकी एरिया खोलना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल सुझाव है, और मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात अपने कॉन्फ्रेंस में कही। इसी आपके संदेश के साथ में हम कंक्लूड करते हैं सर। हम दर्शकों से भी निवेदन करेंगे और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी दर्शकों से हमारे निवेदन करें कि वो घर में रहे और इस स्थिति को और ज़्यादा ना बिगड़े, इसके लिए आपका संदेश हम चाहते हैं। बिल्कुल, मेरे सब नागपुर वासियों से ये निवेदन है और विनंती है कि देश बहुत मुश्किल से गुजर रहा है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति न हमने देखी है, न हमारे माता पिता ने देखी है, न हमारे दादा ने देखी है। एक परदादाओं की 100 साल पुरानी बात है ये। तो ये परिस्थिति इस देश के अंदर आई है, विश्व पर आई है, इसमें आपको गंभीरता से विचार करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। परिस्थितियाँ बदलती जा रही है, अभी तक हमें घर पर रहना था, हो सकता है लॉकडाउन खुलता है आपको व्यवसाय पर जाना हो, तो सरकार के दिए हुए कहे हुए निर्णयों को, जो निर्देश है, उसका पालन करें और अपने आप को बचाए, अपने परिवार को बचाए, और जिसके जहाँ भी जिस व्यवसाय में हम जाने वाले हैं, जिस काम में हम जाने वाले हैं, जो भी हमारा काम है, उस काम को करते हुए भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि ये बीमारी कम से कम हमारे इस देश में हमला कर सके। अगर हम अपने परिवार के 2 लोगों को बचाएंगे, हमारे व्यवसाय में काम करने वाले 4 लोगों को बचाएंगे, हमारे आसपास को वालों को हम 10 लोगों को हमसे दूर रखेंगे, तो ये 10 भी हम उन हज़ारों को दूर रखेंगे। इसलिए आपसे सबसे निवेदन है कि सरकार के दिए हुए निर्देश
और अपने आप में अनुशासन और खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज, परिश्रम खुद के लिए खुद करें, वॉक करें, ब्रीथिंग करें, ध्यान रखें, और ये सारी चीजें आपको घर के घर में ही करनी है, घर के घर में करनी है। आप बहुत खुश रहें, ये परिस्थिति आई है, जीवन में आई है, इसमें लड़ना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें और सरकार के दिए हुए निर्णयों का पालन करें। हम भी दर्शकों से बीसीएन के माध्यम से यही अनुरोध करते हैं, जैसे कि ओझा सर ने कहा, हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा अनुशासन की हम पालना करें और हमारे परिवार का अगर हम ध्यान रखें तो इस परिस्थिति से भी जल्द ही हम उबर सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ में इन बीसी न्यूज़ पर।